ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में हम सब ने सुना है। इसे धरती पर इंसानों के हाथों से बनाया गया सबसे हेवीएस्ट आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इसे आपको बताने का रीजन यही है कि दुनिया भर में जितना ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक कचरा निकलता है, सिर्फ 2021 में निकला वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का कुल वजन था 57 मिलियन टन, जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के वजन से भी ज्यादा था। ई वेस्ट पर काम करने वाले एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ने अपने रिपोर्ट में ये बात कही थी और उन्होंने ये भी कहा था कि ई वेस्ट में इन डिस्कार्डेड मटेरियल्स की कीमत बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2019 में अपने रिपोर्ट में बताया कि दुनिया भर में निकलने वाले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की मटेरियल वैल्यू थी 62.5 बिलियन डॉलर्स या 46 बिलियन यूरोस, जो कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा थी। तो आज infinitystream.tv के इस डॉक्यूमेंट्री में हम ई वेस्ट के हर एंगल को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी ही, साथ ही कुछ बिजनेस आइडियाज भी मिलेंगे जिनसे आप अपना स्टार्टअप भी शुरू करने की सोच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ई वेस्ट आज एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। इंडिया समेत पूरी दुनिया के लिए ई वेस्ट एक सर दर्द बन गया है। तो क्या है ये ई वेस्ट? अभी आप जिस कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल या किसी और डिवाइस में ये डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, वो एक ना एक दिन आउटडेटेड हो जाएगी, फिर आप इसे फेंक देंगे या कबाड़ी वाले को दे देंगे। इसी तरह आपके आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें मौजूद हैं, एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, लैपटॉप, कूलर, इलेक्ट्रॉनिक स्विच या कोई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जैसे ही वो खराब हो जाते हैं आप उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। या तो वो आपके घर के किसी कोने में पड़े रहते हैं या आप भंगार में उसे निकाल देते हैं। सिर्फ पूरा डिवाइस ही नहीं, कई बार रिपेयरिंग के बाद रिप्लेस हुए कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स भी आप या तो दुकान पर छोड़ देते हैं या उसे अपने साथ ले आते हैं और कहीं उसे फेंक देते हैं या बहुत से लोग जला भी देते हैं। इसी तरह दुनिया भर से खराब हुई जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, उन्हें डिफाइन करने के लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। सबसे ज्यादा ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से निकलते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और रिपेयरिंग प्रोसेस में छांट दिए जाते हैं। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में ई वेस्ट एक बहुत बड़ा इश्यू बनता जा रहा है, क्योंकि अब देश की आबादी 130 करोड़ की हो गई है और दुनिया भर के लिहाज से इंडिया एक सस्ता एंड अफोर्डेबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। साथ ही देश की परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई है, तो लोग ज्यादा शॉपिंग करने लगे हैं और इन सारी वजहों ने यहाँ ई वेस्ट की भरमार है। किसी भी तरह का कचरा हमारे पर्यावरण और हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और ये बात ई वेस्ट पर बहुत ज्यादा लागू होती है, क्योंकि इनसे बहुत ही जहरीले मटेरियल्स निकलते हैं जो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और हेल्थ हजार्ड्स की वजह से बनते हैं। इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, बीपीओ और स्टार्टअप के लिहाज से बेंगलुरु इंडिया का हब है और ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करता है। इसे इंडिया की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, पर अब बेंगलुरु पर ई वेस्ट का असर दिखने लगा है। एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट्स और रिसर्चर्स मानते हैं कि 2050 तक बेंगलुरु में पीने लायक साफ पानी का मिलना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी एक बड़ी वजह होगी ई वेस्ट। ई वेस्ट में लेड, मर्करी, क्रोमियम, कैडमियम जैसे बहुत ही खतरनाक हैवी मटेरियल्स होते हैं, जो मिट्टी को बंजर बना देते हैं। साथ ही इन्हें अगर आप जलाकर नष्ट करना चाहें तो ये और भी डेंजरस बन जाते हैं, क्योंकि इन्हें जलाने से डायोक्सिन्स, फ्यूरॉन्स, पॉलीसाइकल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, पॉलीहैलोजेनेटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोजन क्लोराइड जैसे जहरीले धुएं निकलते हैं, जो ह्यूमन बॉडी में जाते ही रिप्रोडक्शन एंड मेंटल प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं और इसका असर पैदा होने वाले बच्चों पर पड़ता है। ई वेस्ट को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया को इससे बहुत ही ज्यादा खतरा है। हमारा सर्वाइवल भी इससे अफेक्टेड हो रहा है, पर कैसे? आइए इसकी वजह बताते हैं। यूएसए हर साल लगभग 55 बिलियन डॉलर्स ई वेस्ट में गंवा देता है।
ये एक ऐसी ग्लोबल इमरजेंसी बन गई है कि WHO भी इस पर चेतावनी जारी कर चुका है कि जल्दी ही अगर कुछ नहीं किया गया तो आने वाली जनरेशन के लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी। ई वेस्ट में पाए जाने वाले लेड को अगर खुले एनवायरमेंट में रिलीज कर दिया जाए तो ये हमारी किडनी और ब्लड को सेवर डैमेज पहुंचा सकता है, साथ ही सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में गोल्ड और कॉपर जैसे महंगे मेटल्स पाए जाते हैं जिन्हें निकालने के लिए स्पेशली साउथ एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज में कई बार इन्हें जला दिया जाता है। इन्हें जलाना यूं तो इल्लीगल है, पर जहां रूल्स एंड लॉज कमजोर है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, वहां ऐसा ही होता है। गोल्ड और कॉपर जैसे प्रीसियस मेटल्स को निकालने के लिए जो मजदूर काम करते हैं उनमें बहुत से बच्चे भी होते हैं। ऐसे में जब लोग हाइड्रोजन क्लोराइड और डायोक्सिन्स जैसे जहरीले धुएं में रहते हुए काम करते हैं तब उनकी ग्रोथ तक रुक जाती है। छोटे बच्चों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है क्योंकि उनका फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट चलता रहता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अदनोम घेब्रेसस का मानना है कि लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्पोजल के चलते फिलहाल पूरी दुनिया जो प्रॉब्लम फेस कर रही है वो है सुनामी ऑफ ई वेस्ट। जिस तरह पूरी दुनिया को इकोसिस्टम को प्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन से बचाने की जरूरत है, उसी तरह दुनिया के मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स के तौर पर हमें अपने बच्चों की हेल्थ को भी बचाने की जरूरत है, क्योंकि ई वेस्ट उनकी सेहत और बढ़ती उम्र के लिए एक थ्रेट है। दुनिया भर में 12.9 मिलियन महिलाएं इनफॉर्मल वेस्ट सेक्टर में काम करती हैं और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ई वेस्ट से निकलने वाले घातक रसायन और धुएं के चपेट में आ जाती है जो उनके अनबॉर्न बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। साथ ही 18 मिलियन से ज्यादा बच्चे और किशोर जिनमें 5 साल तक के बच्चे भी हैं इनफॉर्मल इंडस्ट्रियल सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की प्रोसेसिंग से जुड़े हुए हैं। मजबूरी में ये बच्चे अपने माँ बाप के साथ ही 2 पैसे कमाने के चक्कर में ई वेस्ट की नरक में अपना बचपन जला रहे हैं। बड़ों के कंपैरिजन में बच्चों की स्किन काफी सॉफ्ट होती है, ऐसे में टॉक्सिक केमिकल्स लेड मर्करी क्रोमियम इथियम जैसे डेंजरस चीजों के टच में रहना इनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को डैमेज करता है। बच्चों के कम डेवलप हुए ऑर्गन्स ई वेस्ट से निकलने वाले टॉक्सिक केमिकल्स और स्मॉल पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बॉडी में ही रह जाते हैं और कम एज में उनकी जान जाने का रिस्क बढ़ जाता है। जो भी वर्कर्स फॉर्मल या इनफॉर्मल तरीके से ई वेस्ट से मेटल्स निकालने, कचरा चुन चुन कर अलग करने या किसी और काम में लगे हैं वो कॉपर और गोल्ड निकालने के चक्कर में लगभग 1000 से ज्यादा हार्मफुल सब्सटेंसेस के एक्सपोजर में रहते हैं। अगर कोई लेडी काम कर रही है तो नेगेटिव बर्थ आउटकम्स जैसे स्टिल बर्थ यानी पेट में ही बच्चे का मर जाना, प्रीमैच्योर बर्थ्स, लो बर्थ वेट और लेंथ जैसी दिक्कत होती है। इसके अलावा नियोनटल बिहेवियर और न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आना, अटेंशन की कमी, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, बच्चों के टेम्परेचर में बदलाव और बोलने तक में प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। ये सिलसिला सिर्फ यही नहीं रुकता, इससे आगे चेंजेस इन लंग्स फंक्शन, रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स, डीएनए डैमेज, थायराइड ग्लैंड के फंक्शन में डिफिकल्टीज, क्रॉनिक डिजीज जैसे कैंसर और कार्डियोवास्कुलर डिजीज का खतरा जिंदगी भर बना रहता है। WHO की ऑथर मेरी नोएल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उन्होंने लिखा था कि कोई बच्चा जो घाना के एक ई वेस्ट साइट अगबग ब्लोशी में अगर एक अंडा खाता है तो यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी के बताए हुए डेली लिमिट के मुकाबले 220 गुना ज्यादा क्लोरीनेटेड डायोक्सिन्स उसके शरीर में जाता है। इम्प्रूवर ई वेस्ट मैनेजमेंट ही इसकी सबसे बड़ी वजह है। ये एक राइजिंग इशू है जिसे बहुत से देश एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम की तरह रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में इसका बहुत बुरा असर हमारी पीढ़ी पर दिखेगा। ई वेस्ट पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहे हैं। ग्लोबल ई वेस्ट स्टैटिस्टिक्स पार्टनरशिप के मुताबिक 2019 तक ये 21% तक बढ़ गए थे, जिनका टोटल वजन 53.6 मिलियन मैट्रिक टन था जो 350 क्रूज शिप्स के वजन के बराबर था।
ये ग्रोथ कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के बढ़ते यूज से हुआ है। 2019 में जितना भी ई वेस्ट निकला था उसका सिर्फ 17.4% ही फॉर्मल ई वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग फैसिलिटीज तक पहुंच पाया। ग्लोबल ई वेस्ट स्टैटिस्टिक्स पार्टनरशिप के मुताबिक ज्यादातर ई वेस्ट को दुनिया भर के गरीब एशियंस और अफ्रीकन कंट्रीज में डंप कर दिया जाता है, जहां ये इनफॉर्मल वर्कर्स के हाथों रिसाइकल होता है। ई वेस्ट और इससे निकलने वाले केमिकल्स, धुएं और लिक्विड्स का असर ह्यूमन हेल्थ पर कैसे पड़ता है, ये तो हमने जान लिया। अब एनवायरमेंट पर इसका क्या असर पड़ता है, जरा इसे भी डिटेल्स में समझ लेते हैं। ई वेस्ट मिट्टी पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट्स डालते हैं, जिससे मिट्टी की हेल्थ खराब हो जाती है और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में कमी आती है। लेड, आर्सेनिक और कैडमिक जैसे हैवी मेटल्स जब मिट्टी में जाते हैं तो पौधे, फल फूल और बाकी अनाज वाले पौधे उन चीजों को सोख लेते हैं, और फाइनली हमारे डाइनिंग टेबल पर जब वो खाने की शक्ल में हम तक वापस आते हैं तो शरीर में चले जाते हैं और ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ और हार्मोनल बैलेंस पर असर डालते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इनके शरीर में आने से बर्थ डिफेक्ट्स के साथ जन्मे बच्चे दिखते हैं, जिनमें जन्म लेने के साथ ही हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देने लगते हैं। यही नहीं, जब गाय, भेड़, बकरियां और दूसरे पालतू जानवर ई वेस्ट से हैवीली अफेक्टेड घास पत्ते वगैरह खाती है तो पहले तो ये उनके शरीर में जाते हैं और फिर जब हम इनका मीट और दूध कंज्यूम करते हैं तो इनडायरेक्टली वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा जब आम लोग ई वेस्ट को इम्प्रॉपरली डिस्पोज्ड करते हैं, ज्यादातर केसेस में यहां वहां फेंक देते हैं, तो वो हफ्तों और कई महीनों तक खुले एनवायरमेंट में पड़े रहते हैं और उनसे जब टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं तब वो जमीन में जाते हैं और बरसात के पानी के साथ मिलकर ग्राउंड वाटर में मिल जाते हैं और फाइनली हमारी बॉडी तक पहुंचते हैं। ये ग्राउंड वाटर नदियों, तालाबों और झीलों तक पहुंचता है और वाटर इकोसिस्टम पर भी बुरा असर पड़ने लगता है। पानी में उगने वाली सब्जियों और मछलियों को जब हम कंज्यूम करते हैं तब लेड, बैरियम, मरकरी और लिथियम जैसी हैवी मेटल्स और हैजर्डस लिक्विड्स के पार्टिकल्स हमारी बॉडी तक दोबारा पहुंचते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जब ई वेस्ट को डिस्पोज्ड करने के लिए इन्हें लैंडफिल में जलाया जाता है। इस प्रोसेस के चलते रिलीज होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, जो एटमॉस्फेयर, पब्लिक और जानवरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। यही हाइड्रोकार्बन्स आगे चलकर ग्रीन हाउस गैस बनते हैं और ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनते हैं। दुनिया भर के ई वेस्ट जब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में रिसाइकल के लिए पहुंचते हैं तब मैक्सिमम केसेस में प्रॉपर डिस्पोजल फैसिलिटीज ना होने के चलते इन्हें जलाकर इनसे प्रीसियस मेटल निकाला जाता है और एयर पोल्यूशन का एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। ये वहां काम कर रहे लोगों के लिए लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम में होने वाले कैंसर की वजह भी बनता है। साल 2018 के एक रिसर्च में कहा था कि घाना लगभग 30,000 टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा यूएसए और यूरोप से इंपोर्ट करता है और ज्यादातर केसेस में ओपन एयर में इन्हें जलाकर ही मेटल्स एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अकबक ग्लोशी घाना का एक पॉपुलर ई वेस्ट बर्निंग साइट है, जहां काम नहीं करने वाली महिलाओं को भी ये डर लगा रहता है कि इनडायरेक्टली पॉल्यूटेड एयर इनहेल करने से पॉल्यूटेड कंपोनेंट्स शरीर में तो आ ही रहे हैं, कहीं वो उनके पैदा होने वाले बच्चों में ना चले जाए और ब्रेस्ट मिल्क से होते हुए उनकी सेहत को खराब ना करे। और ये डर अकबक ग्लोशी के किसी एक महिला का नहीं है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर के अनुसार 2019 में 53.6 मिलियन टन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हुआ था और ये फिगर सिर्फ 5 सालों में 21% तक बढ़ गया है। इसी वजह से दुनिया भर में ई वेस्ट एक फास्टेस्ट ग्रोइंग डोमेस्टिक वेस्ट का रेगुलर सोर्स बन गया है। 2019 में भले ही चाइना ई वेस्ट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, जिसने 10.1 मिलियन टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा दिया, पर 7.2 किलोग्राम पर कैपिटा के हिसाब से चाइना बाकी दुनिया से काफी पीछे है। कंपेयर किया जाए तो बहुत सी यूरोपियन और एंग्लो नेशंस एनुअली 20 किलोग्राम पर कैपिटा ई वेस्ट पैदा करते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का रैंक इसमें सबसे ऊपर है। नॉर्वे इस मामले में लीड करता दिखता है, जो 26 किलोग्राम पर कैपिटा के हिसाब से ई वेस्ट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉनिक कार्स बहुत ज्यादा है और इनमें इस्तेमाल होने वाली बैटरीज ई वेस्ट का एक बहुत बड़ा सोर्स है।
इसके बाद बारी आती है यूनाइटेड किंगडम की, जो 24 किलोग्राम पर कैपिटा के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया 21 केजी पर कैपिटा और यूएसए 22 केजी पर कैपिटा के हिसाब से ई वेस्ट जनरेट करता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बढ़ने की एक और वजह है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का सस्ता हो जाना। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी का मानना है कि लार्ज वॉल्यूम में ई वेस्ट का बढ़ना ये बताता है कि दुनिया भर में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि अपनी लाइफ इजी बनाने के लिए लोग ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। इसीलिए ई वेस्ट की ग्रोथ को रोकना लगभग इम्पॉसिबल है। इसके बदले दुनिया भर में रिसाइकलिंग और प्रॉपर डिस्पोजल के तरीकों को बढ़ाना होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें दोबारा इस्तेमाल में लाई जा सके। भारत में भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि ये प्लास्टिक वेस्ट से भी ज्यादा रफ्तार पकड़ चुका है, और ई जंक में 31% की एनुअल ग्रोथ देखी गई है, और ये बात खुद गवर्नमेंट ने कही है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या CPCB की माने तो ई वेस्ट की ग्रोथ रेट बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि 2018-19 में जहां 7,71,000 टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा इंडिया में पैदा हुआ था, वहीं 2019-20 में ये 10,14,000 टन जा पहुंचा। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में लागू हुए और टाइम टू टाइम इनमें अमेंडमेंट होता रहता है, और अब तक एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने 21 टाइप के इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को ई वेस्ट की कैटेगरी में डाला है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यह भी कहा है कि ई वेस्ट रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज में ज्यादातर स्टैंडर्ड नॉर्म्स और प्रोसेसिंग टेक्निक को फॉलो नहीं किया जा रहा है, और बोर्ड ने सभी स्टेट गवर्नमेंट को अलर्ट किया है कि वो ई वेस्ट रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज को नोटिफाई करें और रूल्स वायोलेट करने वाले स्ट्रिक्ट एक्शन लें। इसके साथ ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सभी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को रेगुलर स्टेटस रिपोर्ट्स लेने का इंस्ट्रक्शन दिया है। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें कहा गया कि इंडिया ने अपनी रिसाइकलिंग कैपेसिटी 10% से बढ़ाकर 20% कर ली। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 तक भारत अपना ई वेस्ट का सिर्फ 10% ही रिसाइकल कर पाता था, अब ये कैपेसिटी 20% तक कर दी गई है, और भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक भोपाल मध्य प्रदेश में बन रहा है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2017 के मुताबिक भारत हर साल 2 मिलियन टन ई वेस्ट पैदा करता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट पर कहा कि इंटरनेशनल एजेंसीज जितना बताती हैं, भारत में उतना ई वेस्ट पैदा नहीं होता है। ई वेस्ट पैदा करने के मामले में अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी के बाद भारत 5वें नंबर पर है। इंडिया में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए साल 2016 में वेस्ट मैनेजमेंट रूल लागू किया गया, जिसका जिक्र अभी हमने किया भी था। इसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से जो ई वेस्ट बनता है, उसका कुछ परसेंटेज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों को खुद रिसाइकल करना होगा। इस रूल में ये भी कहा गया है कि राज्य सरकारें जिम्मेदारी लेंगी और ई वेस्ट कहां रिसाइकल होगा इसकी जगह तलाश करेंगी, ताकि रिसाइकल को बढ़ावा दिया जा सके। ई वेस्ट को रिसाइकल और प्रोसेस करने वाले सभी वर्कर्स के हेल्थ का ध्यान रखना होगा। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में CFL यानी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप और दूसरे मरकरी वाले लैंप और बल्ब को भी ई वेस्ट मैनेजमेंट में डाला गया है। इंडिया से चलते हैं अब वेस्ट अफ्रीका की ओर। घाना का अगबगब्लोशी, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले हमने किया था, वेस्ट अफ्रीकन स्टाइल में यहां होती है ई वेस्ट की रिसाइकलिंग। वेस्ट अफ्रीकन स्टाइल कोई मेथड या टेक्नोलॉजी नहीं है। ये वर्ड तंज कसने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि अगबगब्लोशी में इलेक्ट्रॉनिक कचरे को सीधे जला दिया जाता है। ये वो कचरा है जो विदेशों में स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज से यहां भेजा जाता है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वायर्स, मदरबोर्ड्स, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स, केसेस, चार्जर और जितनी तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, उन्हें खुले हाथों से वहां काम करने वाले तोड़ते हैं, जलाते हैं और फिर जो मेटल्स निकलते हैं उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। अपनी जान दांव पर लगाकर इन्हें मुश्किल से मिलता है सिर्फ 10 यूरो। विदेशों से आया ई कचरा यहाँ के वाटर, सॉइल और एयर की हेल्थ खराब कर रहा है। 17 साल के लड़कों से लेकर 35 साल के लोग यहाँ काम करते हैं, और वो ही बताते हैं कि धुएं के साथ लगातार काम करने से गले में दर्द रहता है, और कई लोग दवाइयां लेकर काम करते हैं।
कॉपर और गोल्ड पाने की चाहत में घाना के दूसरे इलाकों से भी लोग यहाँ चले आते हैं। वहाँ आसपास जो भी पानी के सोर्स नदी या तालाब है, उस पानी को छूने से भी लोग बचते हैं। वर्कर्स के हाथ में ना ही ग्लव्स हैं और ना ही चेहरे पर मास्क। आग लगने से बॉडी में जो हीट लगती है, उससे भी प्रोटेक्शन के लिए कोई प्रोटेक्शन गियर नहीं दिखता है। जब अग बग ब्लोशी से मिट्टी के सैंपल्स लेकर एक एटॉमिक सेंटर ले जाया गया और टेस्टिंग की गई, तो उसमें नॉर्मल के मुकाबले कैडमियम की मात्रा 30 गुना ज्यादा निकली। इतनी ज्यादा मात्रा किडनी फेल्योर, बोन डिजीज और कैंसर पैदा करती है। हैरान करने वाली बात यह थी कि लेड की मात्रा 100 गुना ज्यादा थी, जो नर्वस सिस्टम को सीवियर डैमेज पहुंचाने के लिए काफी है। इस टेस्ट के बाद एटॉमिक सेंटर के साइंटिस्ट्स का कहना था कि वो अगबग ब्लोशी में किसी को रहने की सलाह नहीं देंगे, क्योंकि अगबग ब्लोशी को दुनिया का वन ऑफ द हाईएस्ट पॉल्यूटेंट साइट कहा जाता है। लेकिन ये कचरा आ कहां से रहा है? अगर आपके मन में ये सवाल है, तो जवाब है कचरे की तस्करी से। जी, ई वेस्ट की इल्लीगल ट्रैफिकिंग। घाना में ये कचरा पूरी दुनिया से पहुंचता है। ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, यूएसए, यूके, जर्मनी और दूसरे विकसित देश अपने यहाँ ई वेस्ट प्रोसेसिंग का पैसा बचाने के लिए ऐसे देशों को अपना डस्टबिन या डंपिंग यार्ड बना रहे हैं। क्या ये सिर्फ घाना या दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज के साथ है? क्या इंडिया में ई वेस्ट इंपोर्ट नहीं होता है? चलिए जरा अपने देश का हाल आपको बताते हैं। ई वेस्ट जनरली 6 तरह के होते हैं। नंबर 1, टेम्परेचर एक्सचेंज इक्विपमेंट, जैसे एसी, फ्रीजर, कूलर, हीटर, गीजर और फ्रिज। नंबर 2, स्क्रीन मॉनिटर्स, जैसे टीवी, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप वगैरह। नंबर 3, एलईडी लैंप्स एंड बल्ब्स। नंबर 4, लार्ज इक्विपमेंट, जैसे वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक स्टोव्स। नंबर 5, स्मॉल इक्विपमेंट, जैसे माइक्रोवेव्स, इलेक्ट्रिक शावर आदि। नंबर 6, स्मॉल आईटी एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, जैसे मोबाइल, टेलीफोन रिसीवर्स, प्रिंटर्स। अब इलेक्ट्रॉनिक चीजें 2 साल, 5 साल, 10 साल और मैक्सिमम 20 साल तक चलती है, उसके बाद खराब ही हो जाती है। जैसे मोबाइल 2 से 3 साल, फ्रिज 15 से 20 साल, कंप्यूटर भी इतने ही साल, लेकिन रिपेयरिंग में भी बहुत सी चीजें निकल जाती है। 2019 में एवरेज निकाला गया था तो दुनिया का हर आदमी पर कैपिटा के हिसाब से 7 किलो ई वेस्ट निकालता है, लेकिन इसका सिर्फ 9.3% ही रिसाइकल हो पाता है। ये तो डॉक्यूमेंटेड डेटा है, पर इसी में से लगभग 44% ई वेस्ट कहां फेंका जाता है, इसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन हम कितना ई वेस्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, इसका कोई वैलिड डेटा नहीं है, क्योंकि ये कभी डिस्क्लोज नहीं हो पाया है। अफ्रीका में जो हाल घाना का है, लगभग सिमिलर सिचुएशन इंडिया की है। जहां रिपेयरिंग और रिसाइकलिंग सस्ती है, तो इधर इलेक्ट्रॉनिक चीजें भेज दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी 90% ई वेस्ट कचरे के ढेर में है और लैंडफिल्स में यूं ही फेंक दिए जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने 2015 में कहा था कि दुनिया भर का 90% ई वेस्ट इंडिया में इलीगली डंप कर दिया गया। इंडिया में जो घरेलू ई वेस्ट पैदा हुआ था, लगभग 2 मिलियन टन ये डंप किया गया अमाउंट, समझिए ऊपर से बोनस था। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया में ई वेस्ट भेज दिए जाते हैं, इंडिया में बाकायदा रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज है, लेकिन कोई मजबूत नियम और रिसाइकलिंग रेगुलेशंस ना होने के चलते बहुत सारा कचरा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए रिसाइकल किया जाता है। इनमें भी कबाड़ी वाले और रद्दी वाले खुद ही कचरे की रिसाइकलिंग करने लगते हैं, जिनका कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और जब ऐसा होता है तो आसपास के रहने वाले लोगों, पर्यावरण और जानवरों की सेहत को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसा इसलिए होता है कि ना ही उनके पास मैन पावर है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर और ना ही कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर। इनफैक्ट ज्यादातर लोग बस रोजी रोटी चलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग अनएजुकेटेड हैं, क्योंकि हम और आप ऐसा प्रोफेशन नहीं चुनेंगे। इसके बाद जब अननेसेसरी चीजें जला दी जाती हैं, तो निकलने वाला धुआं हवा में मिल जाता है। जलने के बाद राख आसपास के वाटर सोर्सेस में चले गए और बरसात के पानी से बाकी सब ग्राउंड वाटर में, जैसा कि घाना वाला केस डिस्कस करते हुए हमने मेंशन किया था।
घाना के अगबग ब्लोशी की तरह ही दिल्ली के सीलमपुर एरिया है जहां इंडिया का सबसे ज्यादा ई वेस्ट रिसाइकिल होता है, जो इंडिया का लार्जेस्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग एरिया है। दिल्ली से सटे एनसीआर एरियाज में आए दिन बढ़ते पॉल्यूशन की जो खबरें सुनाई देती हैं, उसमें ऐसे ही इल्लीगल ई वेस्ट रिसाइकलिंग एक बड़ी वजह है। बाकी आग लगाने के बाद जो भी बचता है उसे सीधे पानी में बहा दिया जाता है। फाइनली ड्रेनेज सिस्टम से तो होकर ये नदियों में पहुंच जाते हैं। सीलमपुर में ई वेस्ट रिसाइकलिंग का काम करने वाले हजारों लोगों को कंसिस्टेंट हेल्थ इश्यूज रहते हैं, जिनमें ज्यादातर को अस्थमा और रेस्पिरेटरी यानी सांसों से जुड़ी दिक्कत रहती है। अब इलीगल ई वेस्ट रिसाइकलिंग पर रोक लगाने के लिए गवर्नमेंट के रेगुलेशंस तो हैं, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत कमजोर है। अगर इंडिया को कुछ करना है तो इमीडिएट एक्शन लेना होगा, और जैसा कि चाइना ने 2018 में किया था, पूरी तरह से इम्पोर्टेड ई वेस्ट पर रोक लगाकर कुछ वैसा ही करना होगा। ऐसा नहीं है कि ई वेस्ट सिर्फ इनफॉर्मल तरीकों से ही रिसाइकल किया जा रहा है। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस और स्टार्टअप्स भी हैं जिनकी कोशिशें तस्वीर बदल रही है। ऐसा ही एक स्टार्टअप है नमो ई वेस्ट। इसके फाउंडर अक्षय जैन का कहना है कि इंडिया में रिसाइकलिंग इंडस्ट्री एक तो अनऑर्गेनाइज्ड है और ज्यादातर लोगों का काम करना कैसे है पता ही नहीं, पर इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। वो डोर टू डोर ई वेस्ट कलेक्ट करने पहुंचते हैं, तो इतना बड़ा नेटवर्क किसी कंपनी के लिए खड़ा करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए नमो ई वेस्ट जैसे स्टार्टअप ई वेस्ट कलेक्टर्स को अपना एजेंट बना रहे हैं, ताकि घर घर से निकला कचरा रिसाइकलिंग के लिए पहुंच सके। इस तरह रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को एजुकेट भी किया जा रहा है और उनसे ई वेस्ट भी खरीदा जा रहा है, तो सही तरीके से काम करने पर उनकी सेहत और पर्यावरण दोनों को नुकसान कम हो रहा है। इस तरह से अक्षय जैन की टीम देश के लगभग 26 शहरों में अपना नेटवर्क बढ़ा चुकी है और इन तक पहुंचे 70% तक ई वेस्ट को प्रोसेस कर लिया जाता है। रिपेयरेबल और नॉन रिपेयरेबल प्रोडक्ट्स को अलग करके रखा जाता है। रिपेयर होने लायक चीजें बहुत कम कीमत पर मार्केट में भेज दी जाती हैं, और नॉन रिपेयरेबल प्रोडक्ट्स को छोटे टुकड़ों में अलग करके आगे प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। स्टोरेज और डंपिंग के लिए भी अक्षय सही प्रोसेस आजमाते हैं, और वो चीजें जिन्हें मैन्युफैक्चरर्स को भेजकर काम लायक चीजें निकाली या बनाई जा सकती है उन्हें भेज दिया जाता है। इंडिया में अब ई वेस्ट रिसाइकलिंग एक बिजनेस मॉडल बनता जा रहा है। अगर आप इस फील्ड में पैसा कमाने की सोच रहे हैं तो चलिए ये कैसे पॉसिबल है वो बताते हैं। अगर आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो ई वेस्ट रिसाइकलिंग एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स के तौर पर आपको चीजों की कोई कमी नहीं पड़ेगी और ना ही सप्लाई रुकेगी। अब आपको क्या रिसाइकल करना है वो डिसाइड कर लीजिए। कंप्यूटर पार्ट्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, एलईडी मॉनिटर्स, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। अगर स्पेस की बात करें तो कम से कम 4,000 से 5,000 स्क्वायर फीट एरिया आपको अपना प्लांट सेटअप करने के लिए चाहिए, जो जरूरत के हिसाब से कवर्ड और ओपन दोनों हो सकता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 20 से 25 लाख तक के इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिनसे आप जरूरी मशीनरी ले सके। मशीन्स को चलाने के लिए 20 किलोवाट तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की भी जरूरत पड़ेगी। 8 से 10 लोगों के मैन पावर के साथ आप इजीली काम शुरू कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट की बात करें तो 10 लाख तक की सेल पर आराम से 1.5 से 2 लाख पर मंथ की इनकम की जा सकती है, पर यह आपके बिजनेस के स्केल और टीम की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। अगर कंप्यूटर रिसाइकलिंग बिजनेस की बात करें तो इलेक्ट्रिकल बोर्ड को चेक किया जाता है और जरूरी काम लायक चीजें निकाल ली जाती हैं। बहुत सी चीजें मेटल और स्क्रैप के तौर पर अलग हो जाती है। बाकी प्लास्टिक के केस, बॉडी पार्ट्स को टुकड़ों में काटकर क्रश कर दिया जाता है और बारीक टुकड़ों को पैक करके प्लास्टिक फैक्ट्रीज को बेच दिया जाता है, ताकि उनसे दूसरे काम लायक चीजें बन सके। बिजनेस रजिस्ट्रेशन, GST, NOC फ्रॉम फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से क्लियरेंस सर्टिफिकेट और स्टेट ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज यानी TSDF में हैजर्डस वेस्ट मेंबरशिप की जरूरत पड़ती है। TSDF का मेंबर होने पर आपको वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज सप्लाई चेन में काम करना आसान बन जाता है।
स्टैंड अप इंडिया और प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जैसी स्कीम से आप बिजनेस के लिए सब्सिडीज एंड हेल्प भी पा सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की गाइडलाइन से आपको इस बिजनेस को समझने में आसानी होगी और आप अपना सेटअप आसानी से खड़ा कर पाएंगे। ज्यादा जानकारी आपको www.iid.org.in पर मिल जाएगी। इस तरह से आप इंडिया में बढ़ते ई वेस्ट को कम करने में, पॉल्यूशन कंट्रोल करने में, लोगों को ई वेस्ट से होने वाले खतरों के बारे में जागरूक करने में, रोजगार देने में और एक हेल्दी इंडिया बनाने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाएंगे। अगर एक कॉमन सिटीजन के तौर पर हम कुछ आदतें अपनाएंगे तो अपनी डेली लाइफ से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कम कर पाएंगे। जैसे हमें सोचना चाहिए कि क्या वाकई में हमें किसी एक्स्ट्रा गैजेट की जरूरत है। अगर आपके पास कोई फोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और वो सही से काम कर रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ना ही खरीदें, तो ये हमारे प्लेनेट के लिए अच्छा होगा। इसके अलावा हम अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की लाइफ स्पैन बढ़ा पाए तो चीजें ज्यादा लंबी चलेंगी और हम कम गैजेट्स एंड इक्विपमेंट खरीदेंगे। इसीलिए डिवाइस को प्रोटेक्ट करें, धूल मिट्टी से बचाएं, अपने डिवाइसेस को क्लीन करते रहें और बैटरी को ओवरचार्जिंग से बचाएं। साथ ही एनवायरमेंट फ्रेंडली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेने से उनके रिसाइकल होने की संभावना ज्यादा होती है, इसीलिए एनर्जी स्टार या सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स लेना ही अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके काम का नहीं है, आप यूज नहीं कर रहे हैं पर किसी और के काम आने लायक वर्किंग कंडीशन में है, तो उस डिवाइस को किसी सोशल प्रोग्राम्स में, एनजीओ को या स्कूल में डोनेट कर दें ताकि ये उनके लर्निंग के काम आ सके जो इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। साथ ही बेकार हो चुके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को यहां वहां ना फेंके और उन्हें खुले एनवायरमेंट में भी ना छोड़े, सही से डिस्पोज करें या रिसाइकलिंग सेंटर में दे दे, इन्हें सही डस्टबिन में ही डाले, जो सूखा कचरा डालने के लिए ब्लू डस्टबिन होता है उसी में, और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कतई ना जलाए। इससे ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट पर क्या असर पड़ता है ये हम पहले ही बता चुके हैं। ई वेस्ट की रिसाइकलिंग में तेजी लाने की जरूरत है ताकि बहुत से प्रेशियस मेटल्स को दोबारा यूज में लिया जा सके, क्योंकि साइंटिस्ट्स मानते हैं कि धरती को माइनिंग करने से बेहतर है ई वेस्ट के पहाड़ की माइनिंग करके काम लाइक मेटल्स निकाले जाएं और रीयूज किया जाए। एक स्टडी के मुताबिक साल 2021 में ही इतने डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स पैदा हुए कि उनका टोटल वेट 57 मिलियन टन था। द रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री भी मानती है कि अगर इतने लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट को छान मारा जाए तो जरूरत लायक मेटल्स निकल जाएंगे, क्योंकि माइनिंग होगी तो धरती के पास आने वाली जनरेशंस को देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे रशिया यूक्रेन वॉर और बाकी दूसरे देशों में अनबन भी प्रेशियस मेटल्स की सप्लाई चेन पर एक थ्रेट है। जियोपॉलिटिकल अनरेस्ट जैसे यूक्रेन में युद्ध के चलते निकेल की कीमत आसमान छूने लगी है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी बनाने का एक जरूरी मेटल है। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से आई अस्थिरता बाकी चीजों पर भी बुरा असर डालती है और ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डिसबैलेंस आया है, क्योंकि लिथियम की कीमत भी 2021-22 में 500% तक बढ़ गई है। इसीलिए बैटरी टेक्नोलॉजी और इससे जुड़े इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसी ही सिचुएशन से बचने के लिए ई वेस्ट की रिसाइकलिंग जरूरी है ताकि अगर किसी कंट्री में माइनिंग या प्रोडक्शन रुक जाए तो रिसाइकलिंग से रॉ मटेरियल्स हासिल किए जा सके। अब तो ऐसे ऐसे प्रेडिक्शंस भी किए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में स्मार्टफोन बनाने वाले एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स अगले 100 सालों तक खत्म हो जाएंगे, जैसे गैलियम, जो मेडिकल थेरोमीटर्स, एलईडीज, सोलर पैनल्स, टेलीस्कोप्स और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज बनाने में काम आता है, आर्सेनिक जिससे फायरवर्क्स बनाए जाते हैं और वुड प्रिजर्वर के तौर पर यूज किया जाता है, सिल्वर जो मिरर्स, रिएक्टिव लेंसेज जो सनलाइट में डार्क हो जाते हैं, एंटीबैक्टीरियल क्लोथिंग और टच स्क्रीन ग्लव्स बनाने में काम आता है, इंडियम जो ट्रांजिस्टर्स, माइक्रोचिप्स, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम्स, बॉल बियरिंग्स की कोटिंग बनाने में, फॉर्मूला वन कार्स और सोलर पैनल्स की कोटिंग करने में यूज होता है, इट्रियम जो व्हाइट एलईडी लाइट्स, कैमरा लेंसेज और कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, टैंटलम जो सर्जिकल इम्प्लांट्स, नियॉन लाइट्स के इलेक्ट्रोड्स, टर्बाइन ब्लेड्स,
रॉकेट नोजल्स और सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट में पहने जाने वाले नोज कैप्स, हियरिंग एड्स और पेसमेकर्स बनाने के काम आता है। अगर अनकंट्रोल्ड माइनिंग होती रही और रिसाइकलिंग पर जोर नहीं दिया गया तो ये सभी कंपोनेंट्स हिस्ट्री का पार्ट बनकर रह जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने वाली कंपनियां ज्यादा मुनाफे के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही है जो रिसाइकल कम हो और खराब होने पर उन्हें सीधे रिप्लेस करना पड़े। यानी आपका मोबाइल अगर खराब होगा तो उन्हें रिपेयर ही नहीं किया जा सकेगा, सीधे आपको नया फोन लेना पड़ेगा। इस चक्कर में ई वेस्ट और ज्यादा बढ़ रहे हैं। एक डेटा में बताया गया है कि ई वेस्ट हर साल 2 मिलियन टन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन 20% से भी कम कलेक्ट और रिसाइकल हो पाते हैं। द रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री ने एक सर्वे किया था जिसमें लगभग 10,000 लोग पार्टिसिपेंट्स थे। उन्होंने बताया कि अगर कोई कंपनी जो सस्टेनेबल वे में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड गुड्स बनाएगी तो वो अपने करंट ब्रांड को छोड़कर उस कंपनी के प्रोडक्ट्स लेना पसंद करेंगे। साथ ही सर्वे में हिस्सा ले रहे लोगों में से बहुतों को यह भी पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को रिसाइकल कैसे करना है, डिस्पोज कैसे करना है या रिसाइकलिंग पॉलिसीज क्या है। इस तरह की जागरूकता जितनी ज्यादा बढ़ेगी, हमारी धरती, हमारा पर्यावरण हमारे लिए उतना बेहतर और जीने लायक बना रहेगा। इसीलिए रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल की पॉलिसी अपनानी होगी। तो उम्मीद है infinitystream.tv की आज के इस डॉक्यूमेंट्री से आपको ई वेस्ट पर सफिशियंट नॉलेज मिली होगी। ऐसे ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कॉन्ग्रेचुलेशंस अपना टाइम प्रोडक्टिव एंड नॉलेजेबल चीजों में इन्वेस्ट करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।